नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेट। मथुरा में राष्ट्रीय बजरंगी युवा सेना ने राम मंदिर निर्माण को लेकर रैली निकाली, जहां राष्ट्रीय बजरंगी युवा सेना के लोगों ने जगह जगह लोगों से जनसंपर्क किया। दरअसल 2019 के चुनावों से पहले राम मंदिर निर्माण का मुद्दा गर्मा रहा है और सभी राजनीतिक दलों ने राम मंदिर मुद्दे पर तीखी टिप्पणी आलोचनाएं शुरू कर दी है और तमाम हिंदू धर्म भी इस मुद्दे को लेकर के सक्रिय हो गए हैं। जहां आज मथुरा के गांव औरंगाबाद से प्रारंभ होकर मथुरा के टाउनशिप बाद बरारी भाई और कुरकंदा परहा गोकुल बैराज बलदेव और तमाम क्षेत्रों में लोगों से जनसंपर्क किया और राम मुद्दे पर मंदिर निर्माण पर लोगों से चर्चा की। वहीं गांव बामनधना में बीजेपी के अध्यक्ष सिया राम तिवारी ने स्वागत किया और बजरंगी युवा सेना के लोगों का जगह जगह स्वागत किया गया। समाचार टी चैट के लिए मथुरा से हेमंत कटारा की रिपोर्ट। रैली निकाल रहे हो, किस मकसद से आप रैली निकाल रहे हो? राम मंदिर निर्माण के लिए रैली निकाली जा रही है 9 दिसंबर को और दिल्ली जाएंगे हम सारे जो भी संगठन है तुम्हारे हिंदू संगठन की वजह से हम दिल्ली जाएंगे तो जागृत के लिए रैली निकाली। तो आप और क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हम ये कहना चाहते हैं कि मंदिर जो है हमारा राम जी का मंदिर है उसके ऊपर विवाद चल रहा है, वो भव्य मंदिर हमारा वहीं पर बनना चाहिए। हम किसी भी पार्टी से नहीं है, हम हिंदुत्व से है, हम हिंदू है सारे जो भी है। अपना पूरा परिचय देते हुए बताना। मैं अतुल तिवारी बजरंगी युवा सेना से मथुरा जिलाध्यक्ष। हम टाउनशिप से फैज तक रैली निकाली है और काफी गांव में। कितने किलोमीटर की आपने ये रैली निकाली? रैली निकाली है 20-22 किलोमीटर की रैली है और हम ये हिंदुत्व जगाने के लिए अपने भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए भव्य घर बनाने के भगवान पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य घर बनाने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। हम हिंदुत्व को जगा रहे हैं, जो हमारे हिंदू भाई भगवान श्री राम के लिए नहीं बोल सकते, मैं उस हिंदुत्व को धिक्कार करता हूँ, मैं उस जीवन को धिक्कार करता हूँ मेरे प्रभु राम के लिए। हम सभी बजरंगी युवा सेना के संगठन दल से सभी संगठन के युवा सेना के तरह बंधु हैं। हम दिल्ली 9 दिसंबर रामलीला ग्राउंड में दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए मांग करेंगे। हमारी कोई भी सरकार से कोई भी पार्टी से कोई भी कोई भी विरोध नहीं है, हमें ओनली हमारे प्रभु राम का, हमें ओनली हमारे पुरुषोत्तम प्रभु राम का मंदिर भव्य चल रहा है। हमारे बजरंगी युवा सेना के करीब फिलहाल मथुरा में 5,000 के करीब सदस्य बन चुके हैं। अलीगढ़ में भी हमारा संगठन काफ़ी जोरी से चल रहा है। हमारे अमित बजरंगी जी, हमारे सुभाष बजरंगी और हमारे लवानिया साहब इस संगठन को बहुत महत्वपूर्ण से बढ़ा रहे हैं, उसको बहुत महत्वता दे रहे हैं और हिंदुत्व को जगा रहे हैं। हमारे राजस्थान में भी, एमपी में भी और आगरा में भी, एटा मैनपुर में, सादाबाद में अन्य टीमें हमारी बिखरी हुई हैं, संगठन को इकट्ठा कर रही, हिंदुत्व को जगा रही हैं। हमें 9 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में कूच करना है और हमें प्रभु राम जी, प्रभु राम का मंदिर चाहिए, चाहे हमारे प्राण चले, पूरा पर्ची देते हुए बताऊँ। मैं राष्ट्रीय बजरंगी युवा सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये मेरा पूरा संगठन का परिवार है और हम लोगों को 9 दिसंबर को रामलीला मैदान में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मंदिर तो बन ही रहा है लेकिन उसको भव्य मंदिर बनाने के लिए कम से कम हमारे 5,000 राष्ट्रीय बजरंगी युवा सैनिक आपके दिल्ली कूच करेंगे। तो और क्या संदेश देते हो सरकार के लिए? सरकार के लिए यही संदेश देते हैं, न तो हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना, न किसी, हमें हमारा एक हिंदू संगठन और हिंदू संगठन के थे भगवान श्री राम और हम भगवान श्री राम के हैं बच्चे, मंदिर हमारा वही बनेगा, वही बनेगा, वही बनेगा, चाहे राजनीति कितनी भी ताकतें राजनीति वाली आ जाए, वो हमारे मंदिर निर्माण को नहीं रोक सकते, भव्य मंदिर निर्माण को।